हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, छोड़ो ये सब, बट चलते हैं बिना बकवास के अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मैं अपनी आज फेस पे मैंने बीच में अपनी एक वाइट लाइन लगा दी है और मैं दोनों साइड कलर करेक्ट करूंगी और डूस और डोंट आपको बताऊंगी कि आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहले तो अगर आपकी डस की स्किन टोन है तो आपकी और आपके बहुत ज़्यादा अंडर आइज डार्क सर्कल्स हैं तो आपको ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करना है। अगर आपकी स्किन थोड़ी लाइट है तो आपको येलो या फिर उसकी मतलब ऑरेंज की एक शेड कम आप पीच यूज़ कर सकते हैं और इसे ब्रश से कभी भी अप्लाई ना करें आप, या फिर फिंगर से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फिंगर से अप्लाई करना अच्छा नहीं लगता है तो आप एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अप्लाई करें और इसे स्मज बिल्कुल भी ना करें और इसकी एक थिक लेयर बिल्कुल भी ना अप्लाई करें। एक साइड में थिक लेयर अप्लाई कर रही हूँ, देखिए एट लास्ट ये कितनी केकी लगेगी। तो हमें थिक लेयर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी है, बिल्कुल थिन। तो अब मेरे जो पिंपल्स हैं, रेड पिंपल्स हैं, उनको मैं ग्रीन कलर करेक्टर से हाइड करूंगी। तो इसके लिए मैं सिर्फ उसी जगह पे इसे ग्रीन कलर को लगाऊंगी जहां पर है, ना कि इसे अपने फेस के सभी जगह इसे अप्लाई करूंगी। तो मैं दूसरी साइड ग्रीन कलर अप्लाई कर रही हूं और देखना एट लास्ट ये कितना गंदा दिखता है आपके फेस के ऊपर और जहां पे मुझे अपनी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है और थोड़ी डलनेस है उसको थोड़ा रिड्यूस करने के लिए मैं अपना लेवेंडर कलर का कलर करेक्टर यूज़ करूँगी। तो एक साइड बिल्कुल हल्का सा, तो बिल्कुल थिन लेयर यूज़ करूँगी और दूसरी साइड मैं बहुत ही थिक लेयर यूज़ करूँगी जो कि सच में बहुत ही गंदी दिखेगी बाद में। आप देख रहे हो एक साइड मैंने सब कुछ थोप दिया है और एक साइड अच्छे से बिल्कुल अच्छे से उंगली से थोड़ा थोड़ा करके। तो एक साइड मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँगी, एक साइड ब्रश। तो ध्यान रखना है जहाँ आपने कलर करेक्ट किया है उसी पॉइंट पे वो कलर रहना चाहिए, उसे स्मज करके कहीं लाल पीला हरा नीला मिक्स मत कर लेना, नहीं तो तुम्हारा फेस का कलर करेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसे ध्यान से, जैसे आपके डार्क सर्कल्स हैं तो उनको वहीं तक ऑरेंज करेक्टर आपका यूज होना चाहिए, वो आपके पूरे फेस पे ऑरेंज ऑरेंज शेड नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कहीं पिंपल है वो ग्रीन स्पॉट है तो सिर्फ उसी पॉइंट पे आपका ग्रीन स्पॉट दिखना चाहिए, ना कि आप अपने पूरे फेस को ग्रीन कर दो। अब आप एट लास्ट देखेंगे जब मैं इसे ब्रश की हेल्प से स्मज करूंगी और ये बहुत ही भयानक लगने वाला है। वो ऑरेंज कलर ग्रीन के साथ मिक्स हो गया, ऑरेंज ग्रीन वॉयलेट येलो, वो मेरा एक फेस जो साइड है तो वो पूरी कलरफुल मतलब एक जोकर लग रही हूँ मैं और दूसरी साइड बिल्कुल फ्लॉलेस। अगर मैं इसके ऊपर अपना फाउंडेशन लगाऊंगी तो बिल्कुल इवन बेस आएगा, अगर मैं इस साइड अपना फाउंडेशन लगाऊंगी तो ये बिल्कुल केकी लगेगा। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा मुझे मतलब स्मज करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ।